हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ह्यूमन करी। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ एक और अरवी के पत्तों के पकौड़े की रेसिपी। जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सहिना या फिर रिकवच की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, ये भी रिकवच होता है लेकिन ये प्लेन वर्जन है। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 20 से 25 अरवी के पत्ते। ये मैंने छोटे साइज़ के अरवी के पत्ते लिए हैं। इस रेसिपी के लिए आप छोटे पत्ते ही यूज़ करें क्योंकि इसे हम चॉप करके डालेंगे, तो जितने छोटे आप लेंगे ये उतने मुलायम होंगे और रेसिपी उतनी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने इनको धो के अच्छे से रख लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ दालें भिगो के रखी हैं, आधा कप के जितना उड़द की दाल है, 1/4 कप के जितना चने की दाल है और जितनी चने की दाल है उसका भी आधा चावल मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रखा था। अब आपको अरवी के पत्तों को बिल्कुल इस तरीके से चॉप कर लेना है। आपको रफली ही चॉप करना है क्योंकि इसे हम बैटर में मिला के हमें फ्राई ही करना है, तो आप रफली इसे चॉप करें लेकिन पहले अच्छे से धो लें। जिस तरीके से पालक काटते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम कट करेंगे। क्योंकि छोटे पत्ते हैं तो पीछे की जो डंठल भी है उसे भी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी काफी मुलायम होती है, तो उसके भी पकौड़े बनाए जा सकते हैं। तो आप उसे भी कट कर लें इसी के साथ। ऐसे फोल्ड करें और बिल्कुल इस तरीके से सारे पत्ते चॉप कर लें। अब मैंने जो दाल चावल भिगो के रखा था उसका पानी निकालने के बाद उसका गाढ़ा पेस्ट आपको बना लेना है। उसमें ऐड करना है 1/2 टीस्पून के जितना हींग पाउडर, 1/2 टीस्पून के जितना हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून के जितना लाल मिर्च पाउडर या फिर जितना भी आपको तीखा पसंद हो उतना ऐड कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून के जितना गर्म मसाला, 1 टीस्पून के जितना धनिया पाउडर। दोस्तों इस पत्ते में थोड़ा सा गले में लगने वाली प्रॉपर्टी होती है तो आप अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला ज़रूर ऐड करें। ये मैंने ऐड कर दिया 1 टीस्पून के जितना चाट मसाला। पत्तों को ऐड कर दें। आप देख सकते हैं कि पत्ते भी आपको ज़्यादा लग रहे होंगे बैटर के कंपैरिजन में, लेकिन जब आप मिक्स करोगे तो एकदम अच्छे से ये मिल जाएंगे क्योंकि बहुत जल्दी सॉफ्ट भी पड़ते हैं। तो इसको अच्छे से मिला लें, इसके बाद ही नमक ऐड करें क्योंकि ये फिर पानी छोड़ देगा। अब देख सकते हैं बहुत अच्छे से सारे के सारे पत्ते मिल चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे नमक और इसको हम फ्राई करने की तैयारी शुरू करते हैं। नमक मिलाते ही आपको इसको तुरंत ही फ्राई करना है क्योंकि पत्ते पानी छोड़ सकते हैं। एक कढ़ाई में तेल ले लीजिए और इस तरीके का शेप बना के आप इसको फ्राई कर लें। रिकवच बहुत तरीके से बनता है, ये प्लेन वाला है। मैंने ऑलरेडी सहिना की रेसिपी शेयर कर रखी है, वो रोल्ड होते हैं, स्पायरल शेप के होते हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा टफ होता है, ये आसान वाला वर्जन है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये वाले अरवी के पत्ते के पकौड़े बना सकते हैं झटपट। बस इसको आपको क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पे, और इन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं सिरके के साथ या फिर अचार के साथ या फिर किसी भी तरीके की चटनी के साथ। ट्रेडिशनली ये अचार या फिर सिरके के साथ ही खाया जाता है। तो हम यहाँ पे तैयार हो गई हमारी एक और बारिश वाली रेसिपी। एंजॉय दिस रेसिपी। तो दोस्तों अगर आज की रेसिपी आप सभी को अच्छी लगी हो तो इसी तरीके की और भी रेसिपीज देखने के लिए क्यूमन करी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में क्यूमन करी का फेसबुक इंस्टा पेज भी फॉलो करना ना भूलें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे डाल के रखा है। और इसी के साथ दोस्तों जो सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन यानी कि घंटी जैसा साइन दिया है उसे याद से प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलें। तो इस बारिश के मौसम में एंजॉय कीजिए ये सहिना या फिर अरवी के पत्तों की रेसिपी। इसे रिकवच सहिना बहुत सारे नाम से जाना जाता है, तो आप जिस भी नाम से जाने हैं तो ये अरवी के पत्ते के ही पकौड़े। मैं मिलती हूँ आप सभी से एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय दिस रेसिपी।